कागज कभी कलम कभी कहानी कभी किरदार बन जाता हूँ, कभी कागज कभी कलम कभी कहानी कभी किरदार बन जाता हूँ, कभी अजनबी कभी परिचित कभी मित्र और कभी प्यार बन जाता हूँ। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत खास बात इंडिया के इस न्यूज बुलेटिन में। हमारे पास आ चुकी हैं बहुत सारी खबरें और उन खबरों को सिलसिलेवार एक एक कर हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें और आज फिर सवाल की बारी है, हम पूछेंगे आपसे सवाल। इसीलिए आप हमारे इस न्यूज बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिएगा, इसी न्यूज बुलेटिन से संबंधित होगा आज का आपका सवाल। और आज के विजेता का नाम क्या होगा इसके लिए भी आपको करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार, आप हमारे साथ बने रहें। आपको जानकारी दे दूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज गोवा पहुंच चुकी हैं और 3 दिनों की यात्रा पर वह गोवा पहुंची हैं, जहां पॉलिटिकल मीटिंग्स होंगे और कई महत्वपूर्ण लोगों के साथ उनकी बातचीत की जाएगी और अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी खासतौर से चर्चा की जाएगी। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी के यहां पहुंचते ही गोवा ही विवाद शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि ममता बनर्जी के जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिन पोस्टर्स में तृणमूल कांग्रेस के जिन पोस्टर्स में ममता बनर्जी की तस्वीरें थी, उन तस्वीरों को विकृत किया गया है और इसका आरोप भाजपा की तरफ जा रहा है, भाजपा पर इसका आरोप लगाया गया है। और जबकि भाजपा का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर एक कार्टून पोस्ट किया गया है, जिस कार्टून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को ममता बनर्जी द्वारा पैरों से कुचलते हुए दिखाया गया है। इस पर आवाज उठाने के बाद जैसे ही आवाज उठाई गई, इस कार्टून को सोशल मीडिया से हटा दिया गया। बहरहाल विवाद तो होता ही रहता है, पॉलिटिक्स है तो विवाद है, इस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। पश्चिम बंगाल से उत्तराखंड घूमने गए सैलानियों के साथ हुआ बुरा हादसा और इस हादसे में आसनसोल, रानीगंज और दुर्गापुर के 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 बुरी तरह घायल हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ये लोग आसनसोल, रानीगंज और दुर्गापुर इलाके से थे और सभी उत्तराखंड घूमने गए थे। तभी एक हादसा हो गया बागेश्वर में और हादसे के बाद 5 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद मायूसी पसर गई है आसनसोल, रानीगंज और दुर्गापुर इलाके में। हमारे संवाददाता ने जदुनाथ चक्रवर्ती के घर जाकर उनके परिवार वालों से पूछताछ की और उनके परिवार और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की और जानकारी लेने की कोशिश की कि क्या प्रतिक्रिया है। आपको बता दूं कि इस घटना के बाद पूरे शिल्पांचल में काफी मायूसी है, काफी मातम है। খুবই দুঃখজনক কথা এটা, মানে হঠাৎ শুনে একদম খুব ইয়েতে পড়ে গেলাম। তো ভাবতে পারছি না যে দিদিভাই এইভাবে চলে গেল। লক্ষ্মী পুজোর দিন আমাদের সঙ্গে কথাও হলো, আরও ছেলে মেয়ে সবাই তো দিল্লিতেই যাওয়ার কথা লক্ষ্মী পুজো কালী পুজোর সময়তে, মানে হঠাৎ শুনে এটা খুব খারাপ লাগলো। হ্যাঁ, ঘুরতে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে বলেছিল যে আমরা বেড়াতে যাব, এটা শুনে খুবই খারাপ লাগছে। আর কিছু কি বলবো, আর কিছু বলতে পারছি না। তো বলছিলাম ওদের খবর কি আছে? কোনো যোগাযোগ করা হয়েছে আপনার? আপনি কে হন? আপনি? আমার নাম শুক্লা চট্টোপাধ্যায়।
ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি তো আপনার কাছেই শুনলাম যে এরম এরম দুর্ঘটনা ঘটেছে। এখন থাকে কি এই বাড়িতে? কে থাকে এই বাড়িতে? ওনারা দুই স্বামী স্ত্রী থাকেন, হাজবেন্ড ওয়াইফ। আচ্ছা, মেয়ের এই সামনে বিয়ে হয়েছে, এই সামনে আপনার ওই হাউজিংয়ে, আর ছেলে থাকে দিল্লিতে। তো কিছু ঘটনা শুনতে পারলে? না, আমরা তো শুনিনি, আমরা জানি না তো কিছু, এই আপনার কাছে শুনলাম। ঘটনাটা কবে ঘটেছে আমরা ঠিক জানি না, তবে খুব মর্মান্তিক ঘটনা। হ্যাঁ, আমার একদম পাশের 5 ইঞ্চি গাঁথনির ওপাশেই ওনার বাড়ি আমার। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা আমরা, এই ধরনের ঘটনা শুনতে হবে কখন আমরা আশা করিনি। আমার নাম উজ্জ্বল সিংহ, আমি ওনার পাশের বাড়ি। उत्तराखंड के हादसे में दुर्गापुर के दो लोगों की मौत हो गई। दरअसल ये दोनों रिश्ते में पति पत्नी थे जो दुर्गापुर के रहने वाले थे और इनका नाम है सुब्रत और रूना चक्रवर्ती। ये दोनों भी घूमने गए थे आसनसोल और रानीगंज के लोगों के साथ, तभी ये हादसा हो गया बागेश्वर में और हादसे में इन दोनों की मौत हो गई। इसके बाद परिवार वालों में काफ़ी मातम पसरा हुआ है और जन प्रतिनिधि लगातार मिलने भी पहुँच रहे हैं इनसे, इनके परिवार के लोगों से, और हमारे संवाददाता आपको बताएंगे कि किस तरह से यहां बहस भी हो गई भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच, जनप्रतिनिधियों के बीच बहस हो गई, तकरार भी हुई। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से दुर्गापुर के विधायक लखन घुड़ुई और सुशील चैटर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस से है, दोनों में काफी तकरार भी होती रही। और सुशील चैटर्जी का यह आरोप है कि जब लखन घुड़ुई मिलने पहुंचे परिजनों से तो उनके कंधे पर भारतीय जनता पार्टी का एक उत्तरीय था, जबकि ये उत्तरीय नहीं होना चाहिए था। यहां पॉलिटिकली एक झमेला खड़ा हो गया दोनों दलों के बीच और दोनों ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाए। आइए देखते हैं किस तरह का ये झमेला हुआ। এখনো কি অবস্থা আছে বুঝতে পারছেন? বাড়ির লোক গেছেন, মামা গেছেন, শুনতে পেলাম বাগেশ্বরের কাছে, আর সঙ্গে পিসিমা, পিসিমা অন্য গাড়িতে ছিলেন, পিসিমা বিশ্বমশাই অন্য গাড়ি ছিল, সুষিমা ছিলেন তার সঙ্গে, একই বলতে পারে একই পরিবারের তিনজন, দুজনে বাবা মা এবং পিসিমা। এটা এই ঘটনা ভাষায় প্রকাশ করার মতো কথা। হ্যাঁ, আমি জাস্ট আমি এসেছিলাম, ওনারা গেছেন, আমি বললাম যে যদি কোনো প্রয়োজন পড়ে, কোনো কাজে লাগে, উত্তরাখণ্ডে আমাদের সমস্ত সংগঠনের লোক আছেন, আমি নম্বর দিয়ে গেলাম, যদি কোনো প্রয়োজন পড়ে আমরা সর্বতভাবে আমাদের পরিবারের পাশে আছি। ওনাকে শান্তার ভাষা আমার নেই, কিন্তু অ্যাজ এ বিধায়ক হিসাবে আমার লোকের দেখা করতে এসেছি, কথা বললাম, যদি কোনো প্রয়োজন পড়ে আমার পাশে থাকবো। দেখুন, একই বললো বিষয় নেই, মানুষ প্রথম, আমি কোনো নেতা অনুসরণ করে অ্যাজ এ মানুষ হিসাবে উনি বলছেন একজন বাড়িতে মারা গেছেন, এত বড় ঘটনা, তার পাশে থাকা কথা দূরে কথা, উনি এখন অঙ্গ দেখছেন বিজেপি লাগানো আজকে, এটা বিষয় নয়, ঠিক আছে, এটা কোনো বিষয় নয়।
উনি বলছেন হ্যাঁ রাতে থেকে এসে বসে আছেন আমি ভালো বলছেন রাতে থেকে এসে বসে আছেন ভালো বলছেন আমি চুপ করুন না রাজনীতি করতে আছেন ফাটি না লাগিয়ে চুপ করুন না পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আজকে যিনি মুখ্যমন্ত্রী যখন পুরো এলাকায় লাশ সনন্দী গ্রামে শুরু করে ঘটনা ঘটতো আর সেই লাশগুলো তুলে নিয়ে কলকাতার পক্ষে মিছিল করতেন আর বিজেপি এই নির্বাচনের পর 51 জন কর্মী খুন হয়ে গেছে তৃণমূলে দাঁড়ায় বিজেপি রাজনীতি করেনি তো রানী ওনার কাছে শিখতে আসিনি আমি অ্যাজ এ প্রতিনিধি অ্যাজ এ লোকাল বিধায়ক আমার দায়িত্ব মধ্যে পড়ে কর্তব্যের মধ্যে পড়ে ওনার পাশে থাকা খবর নিতে এসেছিলাম কথা বলে গেলাম অত্যন্ত খারাপ অবস্থা উনি আছেন ওনার ছেলের সাথে কথা বললাম উনি আমার কথা বলেছেন কিন্তু আমি বেশি কথা বলতে চাইনি কারণ উনি মানসিক ভারসাম্য এখন ঠিকমতো নেই আমরা বলে গেলাম যে পরিবারের পাশে আমরা আছি যদি কোনো প্রয়োজন পড়ে উত্তরাখণ্ডে সেখানে আমাদের সরকার আছে সেখানে আমাদের লোকজন আছে আমরা দুর্গাপুর মানুষ হিসাবে আমি তার পাশে থাকবো এবং যদি সহযোগিতা লাগে সহযোগিতা করবো কাউন্সিলার কী বলে ওনার বিষয় কাউন্সিলর সব তৃণমূল সদস্য রাজনীতি করে থাকে আমরা রাজনীতি করতে আসছি এখানে আমার পাশে পাশে থাকতে এসছি কথা বলতে এসছি উনি কি বললেন আমার মধ্যে যায় নাকি তো বললাম তো সব জায়গাতে ধূপ দেখছেন উনি না আসতেন তাহলে কেউ লক্ষণ আসেনি এখন এসছি ওই রাজনীতি করতে এসছি ওদের কালচার এরকম আছে উনি করতে দিন না আমাদের কী আসে ওই আমার চিন্তা নেই উনি কি বলে আমার বিশেষ হওয়া কোনো দরকার আমার পরিচয় তাকে দরকার নেই বিজেপি আমি বিধায়ক আমার লোকে জানে লোকে জানে আমার কথা আছে তো আমি দরকার নেই যে আগে দেখা যায়নি হ্যাঁ মানে আপনার এরকম একটা প্রতিক্রিয়া কেন হলো জনপ্রতিনিধি আমার কোনো পরিচিতির দরকার হয় না আমি মানুষের পাশে থাকি স্বাভাবিকভাবে মানুষের কাছে এসেছি উনি একটা সেই মনে হয়েছে যেন যাত্রার দলের অভিনয় করতে এসছেন এখানে গলায় একটা ফ্যাটি জড়িয়ে এসছেন বিজেপির এবং উত্তরীয় জড়িয়ে নিয়ে এসছেন প্রচার করতে এসছেন উনি এখানে যে আমি দেখো বিজেপি থেকে তোমার জন্য কী করতে এসছি আমি ওরকম ধরনের কাজ করি না আমি মানুষের পাশে থাকি সবসময় মানুষের কাছে থাকি মানুষের ভালো করার চেষ্টা করি এবং বিভিন্ন জায়গা যেখানে যা বলার দরকার সেগুলো করেছি উনি একটাও কিছু করেননি উনি তো গোটাটাই রাজনীতি করতে এসছেন ওনার যদি সে ইয়েতে থাকতো তাহলে উনি কালকে অন্তত ফোনেও হলেও যেখানে দেখুন প্রশাসন আমাকে জানাচ্ছে কেন জানাচ্ছে ওনাকেও তো জানিয়েছে তাহলে প্রশাসন উনি যখন এমএলএ তাহলে উনি কেন কাল থেকে কোনো তৎপর হননি কেন আজকে উনি হঠাৎ করে চলে এলেন ফ্যাটি লাগিয়ে এখানে দেখতে এলেন রাজনীতি করতে চলে এলেন দু চারজন সঙ্গে করে নিয়ে সঙ্গী নিয়ে চলে এলেন এখানে এইটাই হলো বিজেপির কাজ এরা শুধু প্রচার সর্বস্ব করতে চায় আমরা কাজ করি আর ওরা প্রচার করে আর বলে দিদি কোনো কাজ করে না ওরাই নাকি সব কাজগুলো করে দিচ্ছে পশ্চিমবাংলায় যা কাজ সব ওরাই করছে না বলছে এখানে এসেছিল যেহেতু উত্তরাখণ্ডে হেল্প লাগে উনি করে দেবেন তো উনি এখনও কেন করেননি আজ কাল থেকে ঘটনাটা ঘটেছে এখনও কেন উনি তৎপর হননি কেন উনি এখন করবেন তার আগে অলরেডি নবান্ন থেকে অলরেডি তৎপরতা ওখানে চলে গেছে এখনই আমার কাছে ডিএম সাহেবের কাছ থেকে খবর এসছে উনি এর আগে ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন সমস্ত খবরাখবর পাঠিয়েছেন এবং যাতে তাড়াতাড়ি ডেড বই আনা যায় তার জন্য তিনি তৎপরতা দেখাচ্ছেন ওখানে झारखंड के जामताड़ा जिले से कुंडहित नामक एक जगह है कुंडहित प्रखंड के विक्रमपुर गांव की एक घटना हमारे पास आ रही है विक्रमपुर पंचायत की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है जो लाभुक है उन्होंने आरोप लगाया है स्थानीय वीडियो जेई और रोजगार सेवक पर इनका कहना है कि यहां 1,68,000 रुपये का घपला हुआ है हेराफेरी हुई है हेराफेरी के बाद लाभुक को 5,000 रुपये की रिश्वत देकर खरीदने की कोशिश की गई इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने लाभुक से मुलाकात की और उनसे जाना कि आखिर सच्चाई क्या है मामला आइए दिखाते हैं आपको कुछ खास तस्वीरें আসার পর দিনে রাহুল এসেছিল রাহুল এসে বলে গেল যে আমার সাথে ভিডিও কাজ চলো
কেন না বিডিও কাছে না গেলে তখন রিপোর্টার সঙ্গে ধরলে পরে রিপোর্টার দিতে হয় টাকা খেয়ে পরে আর তোমাদের চুপ হয়ে যাবে আর কিছু কাজই করবে না। দীপ্তি রানী মন্ডল, আমাদের আম বাগানে শুরু হয়েছে 18 থেকে, তারপর থেকে আমরা 18 পর থেকে আমরা 40,000 টাকা পেয়েছি, তারপর থেকে এখন অবধি আমরা এখন আর কিছু টাকা পাইনি। আর খুঁজতে গেলে বলছে ক্লোজ হয়ে গেছে, ঘুরোচ্ছে মাস্টার লাসানে বলছে, অর্ডার নাই বলছে, আর নানা ভাঁজ করে আমাদেরকে খালি ঘুরোচ্ছে। আর আমার সঙ্গে যারা আরো নিয়েছিল তাদের সব পয়সা পেমেন্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার, তারপরে ওদের দুজনকে বললাম রজিত সাহেব আর রাহুলকে যে আমার টাকাটা বের করে দাও, তখন বললে যে না 10,000 টাকা দাও। তো 10,000 টাকা দিলাম, 10,000 টাকা দেওয়ার পরও মানে আমাদের বললো ক্লোজ হয়ে গেছে, টাকা পাবে না। ওই যে রাহুল খাতুন, রাহুল স্যার মালাই গড়াই। তারপর স্যার আমাদের এই টাকা ঘুরেছে বারবার, টাকা দিচ্ছে না, বলছে না দেওয়া হবে না, পেমেন্ট নাই, অর্ডার নাই। তারপর আমরা 120 টাকা অর্ডারের পরও আমরা নানা রকম গাছ অন্য কিছু লাগাইছি, আরো কাঁঠাল ইটি সিটি অন্য কিছু অনেক কিছু লাগাইছি। হ্যাঁ, ঘর থেকে খরচা করছি, নেট কিনা, তারপরে রুন করা, তারপরে তো আমাদের প্রতিদিন হাজিরা আছে 150 করে, আগুলা রাখানো ওটাও পাইনি। आसनसोल में आज एक प्रेस मीट की गई। प्रेस मीट के दौरान केंदा की रहने वाली एक महिला लक्ष्मी देवी ने आरोप लगाया है जामुड़िया के एक निजी कारखाने के प्रबंधक पर। इनका कहना है कि निजी कारखाने के प्रबंधक की तरफ से उनकी 35 बीघा जमीन हड़प ली गई है। इस तरह का गंभीर आरोप लक्ष्मी देवी ने लगाया और उनका साथ दे रहे थे ऑल इंडिया MIM के पश्चिम बर्धवान जिले के कन्वेनर दानिश अजीज। प्रेस मीट के दौरान खुलासा हुआ कि 35 बीघा जमीन हड़प लिया गया है, जबकि कहा जा रहा है लक्ष्मी देवी ने कहा कि जमीन उनके नाम है और जमीन के तमाम कागजात उनके पास है, पट्टा भी है, इसके बावजूद भी ADDA की मिली भगत से उनकी जमीन को हड़प लिया गया। इस तरह का गंभीर आरोप लक्ष्मी देवी ने लगाया है। आइए जानते हैं, सुनते हैं कि आखिर और उनका आरोप क्या है। जमुड़िया असेंबली की लक्ष्मी देवी जी, इनका 35 बीघा जमीन है। आप सुने होंगे जमुड़िया में सुपर स्मेल्टर्स बोल के एक फैक्ट्री है, वो इलीगल तरीका से इनके जमीन को इलीगल तरीका से उसमें आपका कंस्ट्रक्शन कर रही है, इलीगल तरीका से उसको बना रही है। और ये ऐसा क्यों कर रही है, क्या इसके पीछे क्या मकसद है करने का, इसके पीछे क्या कंपनी फैक्ट्रीज यही चाहती है? एक तो फैक्ट्री खुद लक्ष्मी देवी जी खुद बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ, कितने सालों से वो परेशान है। इसीलिए आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनके साथ खड़ी है और ये कोशिश कर रही है कि इनको इनका हक दिलाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में हम सब मिलकर पश्चिम बर्धवान डिस्ट्रिक्ट में एक मजलिस को स्ट्रांग संगठन बना सके और अच्छा से अच्छा काम कर सके, और जितने लोग जुड़ रहे हैं और ज्यादा तादाद में जुड़े। इसके बाद आपको लक्ष्मी पड़ता है, हम लोग को 20 बीघा जमीन मेरा पर्सनल है, पति के नाम पर मेरा 10 बीघा जमीन है। सुपर जबरदस्ती है, घेर करके मैंने उसमें बिल्डिंग भी तैयार रेडी कर दिया, जगह बाउंड्री भी मेरा जमीन में बाउंड्री भी कर लिया, वो लोग जबरदस्ती है कमरे से। पुलिस को जानकारी दी है इसको लेकर? पुलिस जानकारी दी है सब जगह, मतलब कोनो जगह कोनो ऑफिसर के मैं बाकी भी छोड़ दी जानकारी द्वारा, ADD के भी दिए चिट्ठी किए हैं, हम लोग के जमुड़िया थाना किए हैं। तो क्या रिप्लाई मिला? कुछ रिप्लाई नहीं मिला, कुछ रिप्लाई नहीं, बोला कि आपको जमीन नहीं है। वो आज हमको दो दिन पहले हमको दिखा रहा जमुड़िया थाना लगा के, ये हमको देखो ये वाला कंपनी के नाम पर जमीन है, उसको ADDO उसको नाम पर कर दिया। आए मैंने 60-70 से मेरा 60-70 साल से मैं उस जमीन पर हम लोग चार्ज कर रहे हैं, खा रहे हैं, फिर तो खजाना दे रहे थे सरकार को, खजाना हम लोग के तो मैंने अनुमति दखल दिया है,
बेलोरा से कि उस जमीन पर आप लोग करिए खाइए, आप लोग से कोई छीनने वाला नहीं है। उन्होंने दखल मतलब है मैंने खजाना उसमें नहीं पड़ता है, उन्होंने दखल दिया। हम लोग करना खाना है तो आप लोग किससे खरीदते हैं? वो ईसीएल के कंपनी की जमीन था, उस समय कंपनी चलाता था जमीन, ईसीएल नहीं चलाता था। छोड़ के जाने वाला बात नहीं, आपको कोई लिखित दिया गया था या लिखित दिया है इनके पास? एक मिनट, हम लोग कुछ दिन वहाँ पर करने खाने लगे, चार से बार बहुत दिन खाए तो वो तो सरकार हमको देगा इतना दिन से हम बैठे हैं जमीन पर। आपकी बैठने वाला बात, यहाँ तो बैठने की जगह में फुटपाथ में सभी लोग सरकारी जगह में बैठे हुए हैं, वो बैठने वाला बात नहीं। आपको किसी तरह कोई लिखित या कोई आपको डॉक्यूमेंट क्या दिया था आपको? ईसीएल से क्या दिया आपको? ईसीएल तो क्या देगा, ईसीएल तो उस समय कंपनी किसी के लिख के नहीं जाता था, उस समय जब कंपनी आपने कब्जा कर रखा था ये तो, हाँ, कब्जा करके तो आप फिर अभी आपने कब्जा रखा था, आप किसी और ने आपका जमीन को कब्जा कर लिया? हाँ, तो हमको मैंने सब जगह लिख के बाद उनको बेलोरा दिया, उस जगह सरकार दिया कुछ लोग सर्टिफिकेट की आप लोग की जमीन रहा, आप लोग अंदर में जमीन आप लोग के, आप लोग करिए खाइए अच्छे से। आपको पट्टा दिया गया उसका? हाँ, पट्टा दिया गया। अच्छा, उसको बावजूद मैंने बिलोरो कंपनी मेरा जमीन जोर जबरदस्ती से बिल्डिंग कर करके ऐसी करके सब कुछ करके उन्हें बाउंड्री जमीन कर लिया। मेरा पति के नाम पर बिल्डिंग बना चुका है जमीन, अब मेरा जमीन पर बाउंड्री चारों तरफ बाउंड्री एरिया में हो गया है बाउंड्री, ये काम अंदर में चल रहा है। ये कितने दिनों से चल रहा है? ये मेरा जमीन, मेरा वाला जमीन है, मेरा पति वाला जमीन है, या दो साल हो गया बिल्डिंग हुआ चारों तरफ दौड़। दो साल से आपने क्या किया? केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण विनिवेशीकरण किए जाने के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ भी अब सड़क पर उतर आया है। भारतीय मजदूर संघ की तरफ से यह कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार पब्लिक सेक्टर्स को खत्म करना चाहती है और इसके खिलाफ भारतीय मजदूर संघ ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपा। आसनसोल के डीएम कार्यालय में पहुंचकर यहां डीएम अरुण कुमार को एक ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन सौंपते हुए प्रधानमंत्री से ये अनुरोध किया गया है कि इस नीति में बदलाव लाया जाए। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने भारतीय मजदूर संघ के पश्चिम बंगाल के कार्यकारी अध्यक्ष जयनाथ चौबे से विशेष बातचीत की। भारत माता की, भारत माता की, बीएमएस अमर रहे, अमर रहे, बीएमएस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, हित में करेंगे काम, करेंगे पूरे काम, देश के हित में करेंगे काम, करेंगे पूरे काम, राष्ट्र हित मजदूरों, प्राइवेट सेक्टर के पब्लिक सेक्टर के प्राइवेट अंदर दिच्छी ना देवो ना, पब्लिक सेक्टर के प्राइवेट अंदर होते दिच्छी ना देवो ना, भारत माता मजदूरों, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय कार्य समिति की बैठक अयोध्या में हुई थी अगस्त में, उसके निर्णय के आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा मोनेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन किया जा रहा है, जिसके चलते पब्लिक सेक्टर के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ निजीकरण, विनिवेशीकरण और निगमीकरण का विरोध करता है और इसी क्रम में पब्लिक सेक्टर बचाओ, देश बचाओ के बैनर तले आज प्रतीकात्मक रूप से अपने पश्चिम बर्धमान के जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के सम्मुख यह ज्ञापन का पत्र देश के प्रधानमंत्री को प्रेषित करते हुए कि आप अपनी नीति में बदलाव लावें, जिससे कि देश के आर्थिक विकास में जो रीढ़ की हड्डी के रूप में हमारा पब्लिक सेक्टर है, जो हर जगह कोरोना में भी देखे हैं कि से हमारे पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी कोरोना योद्धा बन करके सामने आए और उन्होंने शहादत भी दिया है, जो उन्होंने शहादत दिया है उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं बीएमएस की तरफ से। तो ऐसे पब्लिक सेक्टर का वजूद कायम रहे, उसका निजीकरण न हो, उसका मुद्रीकरण न हो, उसका निगमीकरण न हो, इसी मामले को लेकर के बीएमएस पूरे देश में इकाई से लेकर के और डीएम ऑफिस पर इस प्रतीकात्मक प्रदर्शन के माध्यम से अपना ज्ञापन का पत्र प्रेषित कर रहा है। कोल रेल सभी पब्लिक सेक्टर, कोल रेल सेल भेल गेल जितने भी हैं,
डिफेंस के 41 हमारे आयुध कारखाना है जो उसको निगमीकरण किया जा रहा है, अलग अलग सेक्टरों में अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कोल में कमर्शियलाइजेशन किया गया है, आपका सेल में वहाँ भी वही बात चल रही है, आपका डिफेंस में निगमीकरण की बात कर रहा है, कॉर्पोरेशन करने की बात कर रहा है, तो ऐसे अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की बात करते हुए केंद्र सरकार हमारे पब्लिक सेक्टर के वजूद को समाप्त करना चाहता है। तो हमारे केंद्र सरकार की इस निजीकरण, मौद्रिकीकरण और विनिवेशीकरण की नीति का विरुद्ध है, हम किसी व्यक्ति और विशेष के विरुद्ध में नहीं है, तो उस नीति का खिलाफ में हम हैं और उसी के तहत हम मांग कर रहे हैं कि आप अपनी नीति में परिवर्तन लाओ। जयनाथ चौबे, कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ पश्चिम बंगाल। भारतीय मजदूर संघ की तरफ से आज साकतोड़िया स्थित ईसीएल के मुख्यालय के समक्ष भी प्रदर्शन किया गया विनिवेशीकरण और निजीकरण के खिलाफ। इस मौके पर इस संगठन से जुड़े मृत्युंजय सिंह, जसविंदर सिंह और मिथुन साव खास तौर से मौजूद थे, उनके साथ उनके सहयोगी भी यहां मौजूद थे। इन्होंने यहां जमकर प्रदर्शन किया और मांग की केंद्र सरकार से कि इस नीति में परिवर्तन किया जाए, वरना पब्लिक सेक्टर अगर खत्म हो गया तो बहुत ही बुरा होगा। इस तरह की बातें यहां नेताओं ने कही। के विरुद्ध में हम लोग जो क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बचाओ राष्ट्र बचाओ, इसी झंडा के तले हम लोग आज पूरा आसनसोल के जिला मजिस्ट्रेट के साथ पूरा भारत के पब्लिक सेक्टर में हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं कि भारत सरकार निजीकरण बंद करे, कोयला सेक्टर में निजीकरण बंद करे, रेल सेल सभी चीज़ों में निजीकरण और व्यक्तिकरण बंद होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा संपूर्ण पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन करने एवं उसका वैश्वीकरण करने के खिलाफ संपूर्ण पब्लिक सेक्टर के समक्ष आज भारतीय मजदूर संघ के द्वारा घोर विरोध किया गया। इसी के उपलक्ष्य में आज ईसीएल मुख्यालय के मेन गेट के पास धरना प्रदर्शन कर इसका विरोध किया गया। सरकार द्वारा जो भी विरोधी काम मजदूरों के विषय में किया जा रहा है उसका भारतीय मजदूर संघ पूर्ण विरोध करता है एवं आगे भी करता रहेगा, एवं कर्मचारी के द्वारा हित कर कार्य करने के विषय में भारतीय मजदूर संघ उसका अच्छाई का भी गुणगान करता है एवं विपक्ष का काम करने पर उसका पूर्ण जो विरोध भी करता है। नाम मृत्युंजय कुमार सिंह, ईसीएल मुख्यालय सचिव, डीएमएस। आसनसोल के डीएम कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई और इस महत्वपूर्ण बैठक में खास तौर से मौजूद थे तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण और यहां चर्चा की गई कि किस तरह से मतदाता सूची में संशोधन किया जाएगा और किस तरह से और दूसरी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे डीएम अरुण कुमार और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस मौके पर मौजूद थे। सभी ने अपने अपने सुझाव भी दिए। आपको हम दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें। কিন্তু আমরা বিগত কয়েক বছর ধরে দেখছি যে এগারোটার থেকে একটা যে শিডিউলগুলো দেওয়া হয় ওখানে ভোটার যারা পাঠাই আমরা তাদেরকে মিসবিহেভ করে, এই তো একমাত্র এলাম দুপুর বেলা এলাম খাবো না দাবো না বছর একটু, এই বিহেভগুলো যেন একটু চেঞ্জ হয়েছে। তিনটার থেকে পাঁচটা করুন, তাহলে ওদের ওই প্রবলেমটা খাবো না, খেয়ে এসছি রান্না করে এসছি এখনই পেলাম। এবং এরকম যদি
डीएम साहब का आज हम लोग का पहला सर्वदलीय बैठक है। सब लोग का इंट्रोड्यूस हुआ एक दूसरे का, जो लाल पार्टी के लोग आए हुए थे, साथ ही साथ वोटर लिस्ट के बारे में चर्चा हुआ। जो 1 नवंबर से वोटर लिस्ट हम लोग का मिलेगा और 1 नवंबर से शुरू भी होगा। खास करके जो बीएलओ लोग जो बैठते हैं, तो बीएलओ लोग बहुत सारे लोग तो एक जैसे नहीं होते। कुछ बीएलओ ऐसे हैं जो काम को नहीं कर करके टाल बहाना करते हैं कि अभी खाना खाने का टाइम हो गया, अभी फॉर्म नहीं लेंगे। तो हम लोगों ने 12 बजे से 2 बजे का रखा है ताकि इस समय वो लोग बीएलओ वाला जो लोग फॉर्म भर करके जाएंगे उन लोग को ले। और जो हम लोग इलाके में जो डेथ हो गया है, जो लोग का भड़ल अभी तक नाम चढ़ा हुआ बहुत सारा है, वो अभी तक कट नहीं पा रहा। हम लोग अगले बार भी डीएम साहब को बोले थे, इस बार भी ये बात हम लोग उठाए हैं कि जो डेथ वाला है उनको, जिसको हम लोग डेट मार्क करेंगे, जो बीएलओ में बैठेंगे उनको खारिज कर दिया जाए वोटर लिस्ट नाम से, ताकि वोटर लिस्ट बहुत बढ़ गया है। 1000 से ज़्यादा एक एक बूथ में 2000 हो जा रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग यही बात पर चर्चा हुआ, इसी के लेकर राहुल पार्टी का आज मीटिंग था। मेरा नाम है एसएम मुस्तफ़ा, आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक, कांग्रेस प्रेसिडेंट। जन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स को लेकर एक मीटिंग की गई, जहाँ पे सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित थे। वहाँ पे उनको बोला गया कि हमारा स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स शुरू हो रहा है। उसमें टोटल 7 कैंपेन डेट्स हैं। उस 7 कैंपेन डेट्स में 11 से 4 बजे तक हमारे बीएलओ उपस्थित रहेंगे अपने अपने पोलिंग स्टेशन में, और उसके साथ अन्य दिनों में जो स्पेशल कैंपेन डेट्स हैं वो छोड़कर दूसरे दिनों में 12 से 2 तक हमारे बीएलओ उपस्थित रहेंगे। जो भी फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, फॉर्म 8A, मतलब नाम को समाविष्ट करना, डिलीट करना या फिर करेक्शन करना, या फिर एक एसी से दूसरे एसी तक ले जाना, या फिर एक ही पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाना, ये सब काम हम फिर से, ये वैसे तो कंटिन्यूस अपडेशन में होता ही है, लेकिन एक गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और हमारे सीईओ ऑफिस का एक स्पेशल ट्रस्ट रहता है, जिसमें ये पूरे काम करने के लिए अभी ये स्पेशल समरी रिविजन ऑफ इलेक्ट्रल रोल्स हो रहा है। ये पूरा काम 1.5 महीने तक चलेगा। मैं एग्जैक्ट डेट्स आपको मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, ताकि जो भी मतलब लोगों के पास वोटर आईडी वगैरह नहीं है वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल बोल के एक पोर्टल खोला गया है, जहाँ पे आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसको ही लेकर सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मीटिंग हुई, और उनको बोला गया है कि किसी का नाम डिलीट करना है या फिर किसी का नाम ऐड करना है। और जिस युवक का 1/1/2022 में 18 साल पूरे हो रहे, ऐसे लोगों का वो अप्लाई फॉर्म 6 के तहत वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी को लेकर आज सब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग। जिले में कितने लोगों का नाम डिलीट किया जाना, ऐसा कुछ रिकॉर्ड है? हमारे पास कुछ फिगर नहीं है अभी तक। आखिरकार सुपरस्टार शाहरुख खान की मन्नत पूरी हो गई। शाहरुख खान के साहबजादे आर्यन खान को बंबई हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। आर्यन खान और उसके दोनों मित्रों को जमानत दे दी गई है। हालांकि रिहाई आज नहीं हुई है, रिहाई कल हो सकती है या परसों भी हो सकती है। आज काफ़ी घंटे तक अदालती कार्रवाई चली और कार्रवाई के बाद आखिरकार बंबई हाईकोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दे दी। तो अब वक्त आ गया है आपके सवाल का। हम आपसे पूछेंगे एक सवाल, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि हमने एक सवाल आपसे किया था कि आसनसोल के आजाद नगर इलाके में हथियार कांड मामले का मुख्य आरोपी कौन है, उसका नाम क्या है। हमने आपको 3 ऑप्शंस भी दिए थे, आपके बहुत सारे जवाब हमारे पास आए। लकी ड्रॉ के जरिए हमने जो विजेता का नाम चुना है, उनका नाम है सोनाली चैटर्जी, जो आसनसोल मिठानी की रहने वाली हैं। उन्हें बहुत बहुत बधाई, और बहुत जल्दी हम आपको अपने कार्यालय बुलाकर सम्मानित भी करेंगे। और आज का सवाल आप नोट कीजिए, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ममता बनर्जी कहाँ गई हैं। ममता बनर्जी आज कहाँ गई हैं? 3 ऑप्शंस हम आपको दे रहे हैं, मुंबई, गोवा, दिल्ली। आपको इन तीनों में से एक जवाब को चुनना है, और अपने जवाब को आप YouTube के कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, लेकिन आपके जवाब के साथ आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर भी होना चाहिए। आप हमारे नीचे के नंबर पर WhatsApp भी कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप जवाब दे सकते हैं। हमारे Facebook पेज पर जाकर आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। साथ में आपका नंबर होना बेहद ज़रूरी है, ताकि हम आपको पुरस्कार के लिए बुला सकें। आज के लिए बस इतना ही, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।